न्यूजीलैंड के दूर दराज दो जजीरों पर फंसने वाली तकरीबन 500 वेल हलाक हो गई। हकाम के मुताबिक जजार न्यूजीलैंड की सरजमीन से बहुत दूर थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नामुमकिन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को चथम आइलैंड पर 250 और फिर 3 दिन बाद पिट आइलैंड पर 240 वेल के फंसने की इत्तला मिली थी। हुकूमती मरीन अहलकार का कहना है कि इंसान और वेल दोनों पर शार्क के हमले के खतरे की वजह से तरबियत याफ्ता टीम ने जिंदा बच जाने वाली वेल को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए उन्हें खुद मार दिया।